हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से, जहाँ पे एसओ की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज ही। आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, टुडे अपडेट किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के एसओ के रिक्रूटमेंट, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 20th of November 2022 तक। यहाँ पे जो जो पोस्ट के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी जो है 50, टेक्निकल ऑफिसर आर्किटेक्ट फिक्स सॉरी फायर सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेक्स ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, फॉरेक्स ऑफिसर, फॉरेक्स डीलर, ट्रेजरी डीलर, डाटा एनालिस्ट के पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है। इसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, इसी के बारे में बात करने वाला हो, कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। जिसका साथ साथ यहाँ पे फास्ट में एज रिडक्शन आपको बता दिया जा रहा है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के लिए 5 ईयर्स तक के जो है यहाँ पे एज रिडक्शन आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि पीडब्ल्यू, उनके लिए 10 ईयर्स के यहाँ पे एज रिडक्शन आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाला है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इंडियन सिटीजन, नेपाल सिटीजन कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। टेक्निकल ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए 25 से 35 ईयर्स तक कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर में होना चाहिए, बैचलर डिग्री, जिसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स के। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए एज आपको सेम रहने वाला है, बट बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फायर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बीटेक सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग के ऊपर अगर आप क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। थर्ड में फॉरेक्स ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए एंड 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास विद एमबीए मार्केटिंग के ऊपर क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। अगर आपके पास 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग पहले ही जो है जॉब पा सकते हो। और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन कर रहे हो फॉरेक्स ऑफिसर के लिए, जहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, फॉरेक्स एक्सचेंज के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे फॉरेक्स डीलर के लिए भी चार्टर्ड अकाउंट और ICWA में क्वालिफाइड कैंडिडेट ही एप्लीकेशन कर सकते। ट्रेजरी डीलर के लिए CA व ICWA में क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए यहाँ पे एप्लीकेशन करने। डाटा एनालिस्ट के लिए अगर आप बीटेक एमटेक कंप्लीट कर चुके तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी आपको मिनिमम 40,000 से 63,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और क्या क्या दिया गया है। फॉर एप्लीकेशन के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर आर्किटेक्चर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेक्स ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए ऑनलाइन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर सिलेक्शन किया जाएगा। फॉरेक्स ऑफिसर, फॉरेक्स डीलर, ट्रेजरी डीलर एंड डाटा एनालिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के वक्त आपको जब CV अपलोड करना होगा तब आपको जो है यहाँ से मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है, तो दिक्कत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। आप जहाँ से भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, आप किस स्टेट के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके साथ साथ और क्या अपडेट दिया गया है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एप्लीकेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, वहाँ से जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा फॉर SC/ST के लिए 100 जो कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो 150 रुपीज़ फॉर SC/ST PWD, अदर कैंडिडेट 850 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ GST भी आपको यहाँ पे अटैच किया जाएगा, जिसके बाद आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट है
20th of November 2022। तो दोस्तों यही था आज की अपडेट। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।